आपसे कुछ पूछना है मुझे। आप इस खातून के बारे में जानना चाहते हैं? जी। ये हमारी बहुत पुरानी कस्टमर है, ये पहले अपने शोहर के साथ आती थी, अभी कुछ महीनों से अकेले आ रही है। भाई जाग रहे हो क्या? 10:30 बज रहे हैं भाई, एटलीस्ट जवाब तो दो, मैं परेशान हो रही हूँ। किसी तरह ये मीटिंग कैंसिल करवा दो यूनियन की। हुआ क्या है? रेवत साहब को मिसेज भी ठीक है थी। मम्मी रात को निकली थी और किसी की गाड़ी में जाकर बैठ गई थी। मैं क्या करूं? भाई सब जानते हैं कि अम्मी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। सब ठीक है उनकी हालत। मैंने उनको फॉलो किया, ढाबे पे बैठकर चाय पी थी और 200 रुपए टिप भी दी थी उन्होंने वेटर को। हमारे लिए दिमाग खराब है उनका। भाई प्लीज, दूसरे लोग नहीं समझ सकते, एटलीस्ट आप तो समझे। आज दफ्तर नहीं जाना? तुम कपड़े बदलो, मैं नाश्ते बनाती हूँ। अम्मी, कल रात आप कहाँ गई थी? तुम्हारे अब्बू से मिलने। अम्मी? बताती हूँ सब कुछ, पहले नाश्ता तो बना लो। मैं बात करती हूँ, आप कमरे में जाना, बात करती हूँ। अम्मी बहुत ज्यादा तेल डल गया है, दे दे मुझे, दे छोड़ दे, चले आए। अंडे निकाल दो और चाय भी बना लो, तुम्हारे अब्बू ने कहा है वो आज हमारे साथ नाश्ता करेंगे। अब्बू कहाँ मिले अम्मी आप? कहाँ मिले? आप कल रात उनसे मिलने गई थी ना? कैसे जा सकती हूँ, मुझे तो तुम लोगों ने बंद किया हुआ है। वो आए थे तो आप इनसे मिलने गई थी या नहीं? मुझे तो घर से निकले हुए 1 बरस हो गया। लेकिन भाई कह रहे थे कि उन्होंने आपको बाहर निकलते हुए देखा है, आपने ढाबे पे चाय पी है और किसी के साथ गाड़ी में भी बैठ के गई थी। मैंने चाय भी पी थी और गाड़ी में भी बैठी थी। तो इसका मतलब आप कल रात बाहर निकली थी। तुम दोनों मेरे ख्वाबों पर भी ताले लगा दो। मैं कैसे जा सकती हूँ, दरवाजे तक जाते हुए तो मेरे पैर कांपने लगते हैं। वो देखो तेल कितना गर्म हो गया होगा, खोल रहा होगा, उसमें कैसे अंडे फ्राई करूंगी? तुम्हारे अब्बू को कच्ची जर्दी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं कर दूंगी,
मेरे साथ कमरे में चलें, पहले कपड़े चेंज कर लें, मुंह हाथ धो लें, फिर नाश्ता करेंगे। आए। लेकिन उसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं कर लूंगी ना, छोड़ दें, कोई मसला नहीं। चलो आ जाओ।